दोस्तों, आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया WPL का छठा मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। इस मुकाबले में आरसीबी को लास्ट ओवर में 24 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो दोस्तों, आपको बताते हैं इस अंतिम ओवर की पूरा रोमांच, जब तक के लिए वीडियो को कर दें लाइक। दोस्तों, आखिरी ओवर की पहली गेंद पर पूनम ने हैदर को स्ट्राइक देने के चक्कर में कैच उठा दिया और आउट हो गई। वहीं आरसीबी को अब 5 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे जीतने के लिए और अब क्रीज पर श्रियंका पाटिल थी। दूसरी गेंद पर श्रियंका पाटिल ने एक रन लिया और हैदर कनाइट को स्ट्राइक दे दिया। वहीं तीसरी गेंद पर हैदर कनाइट ने केवल एक ही रन ले पाए। अब चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर श्रियंका पाटिल के पास था। श्रियंका पाटिल ने इस पर छक्का जड़ दिया। वहीं अगली गेंद पर श्रियंका पाटिल ने चौका जड़ दिया, लेकिन अब ये आरसीबी के हाथ से मैच निकल चुका था और लास्ट गेंद पर आरसीबी को 12 रन चाहिए थे, लेकिन श्रियंका पाटिल ने इस गेंद पर बीट हो गई और आरसीबी मुकाबला 12 रनों से हार।